धर्म परिवर्तन को लेकर और आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए थे। इसी बीच अब केंद्र सरकार ने उन्हें सभी सवालों का जवाब दिया है। बता दें, धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई बनने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई तर्क रखे हैं। एक याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करवाया है। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि दलित धर्म परिवर्तन कर इस्लाम या ईसाई इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां छुआछूत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईसाई और इस्लाम दोनों ही विदेशी धर्म है, इसलिए वहां छुआछूत ही नहीं होती है। लिहाजा धर्म परिवर्तन कर इस्लाम या ईसाई बनने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा कभी नहीं दिया जा सकता। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने हलफनामा दायर किया। यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में था जिसमें कहा गया था कि ईसाई दलित और मुस्लिम दलितों को भी अनुसूचित जाति की तरह आरक्षण देना चाहिए, लेकिन अब सरकार ने इस पर जवाब दिया है और बताया है कि क्यों सरकार दलित मुस्लिम और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं मानती है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।